हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो गार्डन डेकोर करने का ये मेरा तीसरा वीडियो है एंड आपने पहले मेरी वीडियो को बहुत प्यार दिया। हाँ, थोड़ा सा प्यार दिया, कोई बात नहीं। एंड इसको मैं पूरे वाइट कलर से कलर कर रही हूँ एंड इसके बाद मैं दूसरी कलर करूँगी। इसकी जो लाइन है ना साइड में लेफ़्ट एंड राइट उभरी हुई है, तो मैं थोड़ी अलग अलग कलर करूँगी एंड सेंटर में मैं कोई पसंदीदा डिज़ाइन बना लूँगी। अगर आपको ड्राइंग आती हो तो आप वो भी बना सकते हो, बहुत प्यारा लगेगा। और आजकल चल रहा है बारिश का मौसम, तो फ्रेंड्स अगर आप बारिश के मौसम में अपने बालकनी गार्डन को या डोर गार्डन को डेकोर करना चाहते हो तो डेकोर कर सकते हो। इस टाइम पे ऐसा होता है कि बहुत जल्दी पौधे अच्छे और सुंदर हो जाते हैं। मैं कोई आर्ट करती हूँ तो मेरी बेटी बीच में आके यही सब पंगे करती है, सारे कलर इधर उधर करना, या अगर कपड़े का काम होता है तो कपड़े इधर उधर बिखेरना, उसका यही चीज़ लगा रहता है। और मैंने दूसरी साइड भी वही डिज़ाइन बना लिया है। और ये मेरे पास सेरेमनिक कॉन है एंड इसे मैं जहाँ जहाँ मैंने कलर किया है वहाँ वहाँ पर अपनी मन पसंदीदा कोई भी डिज़ाइन बना लूँगी। और आप देख सकते हो कितनी क्लियरिटी आ रही है मेरी वीडियो में। वो इसलिए हुआ है क्योंकि मैं बाहर बैठी हूँ और बाहर की रोशनी में क्लियरिटी बहुत अच्छी आती है। आप घर में बैठकर इतने अच्छे वीडियो नहीं बना सकते हो, इतनी क्लियरिटी आती ही नहीं है लाइट से। एक्चुअली मैंने वीडियो बनाने का सेटअप बनाया ही नहीं है, तो कहीं भी मैं क्लियरिटी देखती हूँ, रोशनी अच्छी आती है, तो वहीं बैठ जाती हूँ वीडियो बनाने के लिए। और जो नीचे का साइड है आप डार्क ब्राउन या फिर ब्लैक में कर सकते हो, वो इसलिए कि नीचे का जो पोर्शन होता है जल्दी गंदा हो जाता है इसलिए। और फ्रेंड्स मैं आपको ये भी बता दूं, अगर कोई आप पॉट बना रहे हो प्लास्टिक का या कोई भी प्लास्टिक पे कलर अप्लाई कर रहे हो तो उस पर वर्निश ज़रूर अप्लाई करें। वर्निश नहीं अप्लाई करोगे तो फिर बारिश से पूरा कलर धुल जाएगा और निकल जाएगा और आपका मेहनत भी बेकार जाएगा। तो इसके बाद मैंने मटकी लिया है, बहुत प्यारा सा एंड छोटा सा मटकी है, तो इसका भी मैं बनाऊंगी पॉट। तो मैंने वाइट और ग्रीन कलर को मिक्स करके ये कलर बनाया है। कलर करने के बाद मैंने आउटलाइन किया है ब्लैक कलर से, फिर इसके बाद सफ़ेद कलर से हम डॉट डॉट कर लेंगे। और पता है क्या होता है, मटकी के ऊपर अगर आप कलर करते हो तो बहुत जल्दी ड्राई हो जाता है और बहुत जल्दी ड्राई होने की वजह से बहुत जल्दी काम भी हो जाता है। तो मैं तो जैसे ही ड्रॉ कर रही थी वैसे ही ड्राई हो जा रहा था। और उसके बाद मटकी के ऊपर आप कलर करोगे तो आपको बहुत मज़ा भी आएगा, तो मैं तो बहुत इन्जॉय किया कलर करना, वो भी मटकी के ऊपर। फिर इसके नीचे वाले पोर्शन पे हम डार्क ब्राउन कलर अप्लाई कर लेंगे। और डार्क ब्राउन पूरे में अप्लाई करने के बाद इस स्वास्तिक का निशान कर लेंगे और पूरे राउंड में हमें स्वास्तिक का निशान बनाना है। तो हमारा जो तुलसी का पॉट है वो रेडी हो चुका है। और मेरी ये पॉट बनाने की आइडिया आपको कैसा लगा मुझे लाइक और कमेंट ज़रूर करें। लाइक करोगे तो मैं समझ जाऊँगी कि आपको अच्छा लगा। और थैंक यू फॉर वॉचिंग, दिल से बाय, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।